हर बार की वही टेस्ट वाली दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल पालक, मिक्स दाल खाकर बोर हो गए हैं तो इस नए फ्लेवर और टेस्ट वाली दाल फ्राई को एक बार ज़रूर बना के खाएं। इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे हम लोग नॉर्मल दाल फ्राई बनाते हैं, बट इसका टेस्ट और फ्लेवर थोड़ा अलग है, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है और आपके टेस्ट में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। घर में मेहमान आए या दाल चावल आपका खाने का मन करे तो इस दाल की रेसिपी को बिल्कुल बनाएं। ये चावल के साथ बिल्कुल परफेक्ट लगती है और आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये दाल फ्राई बनाने के लिए हमें चाहिए चने की दाल, और चने की दाल को मैंने 2 से 3 घंटा पहले से भिगो के रखा है। दाल अच्छे से यहाँ पे फूल गई है। दाल पहले से भिगो के रखेंगे और अच्छे से दाल फूल जाएगी तो वो पकने में थोड़ा टाइम कम लगता है और जल्दी से पक जाती है। इस दाल फ्राई की रेसिपी में चने की दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप चने की दाल यूज़ करें। अगर चाहे तो आप तुअर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं आपको पसंद है तो। अभी यहाँ पे दाल को कुकर में डाल देना है क्योंकि दाल हमें पहले कुकर में पका लेनी है। अभी इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर लिए हैं, इसको भी दाल के साथ हमें पका लेना है। आप चाहे तो टमाटर का यूज़ बाद में भी कर सकते हैं, बट दाल के साथ ही अच्छे से पक जाएंगे और हमारा कुकिंग का टाइम भी बच जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे 1/2 कप पानी डाला है। पानी की क्वांटिटी थोड़ी कम ही डाले क्योंकि दाल पहले से हमारे अच्छे से भीग गई है और टमाटर भी हम लोगों ने यहाँ पे साथ में डाले हैं, तो इस दाल को पकने में बहुत कम पानी लगता है। अभी यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच हल्दी डाल दी है। आप चाहे तो हल्दी का यूज़ बाद में भी कर सकते हैं, बट दाल पकाते समय हल्दी डालेंगे तो इसका कलर बढ़िया आता है। अभी कुकर का ढक्कन लगा के दाल को 2 सीटी आने तक हमें पकाना है। इससे ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा गलाना नहीं है। अगर आप भिगी हुई दाल यूज़ करते हैं तो दाल जल्दी से और सॉफ्ट पक जाती है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 व्हिसल आने तक दाल को पकाया है और अच्छे से प्रेशर रिलीज होने के बाद ही ढक्कन खोला है। आप देख सकते हैं दाल में यहाँ पे चेक कर रही हूँ, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट है, ना ज़्यादा गली है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल परफेक्ट दाल पक के हमारी यहाँ पे रेडी है। अभी साइड में मैंने यहाँ पे कढ़ाई गरम करने रखी है। कढ़ाई गरम होते ही यहाँ पे डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल की क्वांटिटी अभी हमें कम ही डालनी है क्योंकि हमें इस बाद में तड़का भी लगाना है तो उसमें भी तेल का यूज़ होने वाला है। तेल गरम होते ही यहाँ पे राई डालेंगे। मैंने 1/2 चम्मच से थोड़ी कम राई यहाँ पे डाली है, आप चाहे तो अपनी पसंद से कम ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 तेज पत्ते डालेंगे, 2 दालचीनी के टुकड़े डालेंगे, 2 हरी इलायची डालना है। आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी खड़े मसाले यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी 3 से 4 यहाँ पे लौंग डालेंगे फ्लेवर के लिए। इस दाल तड़के में लौंग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। ढाबे में जो दाल बनती है उसमें बहुत सारे खड़े मसाले रहते हैं, तभी उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अभी यहाँ पे 1/2 चम्मच जीरा डाल देना है। जीरा को अच्छे से हमें फूलने देना है। अभी मैंने यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का प्याज अच्छे से चॉप करके लिया है। प्याज की क्वांटिटी थोड़ी कम ही रहेगी इस दाल में। प्याज को हमें अभी 1 से 1.5 मिनट के लिए सौते कर लेना है। इसे एकदम ज़्यादा लाल फ्राई नहीं करना है क्योंकि हमें इसे बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के फ्राई करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे 1/2 चम्मच अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। इसे भी 1 से 1.5 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे हरे प्याज का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में अभी बहुत ही बढ़िया फ्रेश और अच्छे क्वालिटी का हरा प्याज मिल रहा है, तो आप उसका भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है उससे भी। अब मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च तोड़ के डाली है, साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाला है। अब यहाँ पे थोड़े से बेसिक मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ ताकि तेल का कलर अच्छा आए। दाल पकाते समय मैंने पहले भी हल्दी डाली थी, इसलिए मैंने यहाँ पे अभी थोड़ी कम ही हल्दी डाली है। ये मैंने घर का बना हुआ नॉर्मल तीखा मिर्च पाउडर लिया है। आप चाहे तो काश्मीरी मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला। इससे हमारी दाल फ्राई में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा और थोड़ा स्पाइसीनेस बढ़ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है धनिया पाउडर। अभी सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। जब तक इसकी खुशबू आने ना लगे तब तक इसे हमें भून लेना है। यहाँ पे मसालों ने अच्छे से तेल रिलीज़ कर दिया है, मतलब मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब यहाँ पे मैंने ली है मेथी की सब्जी जो कि इस दाल की टेस्ट मेकर है। इस दाल को यूनिक टेस्ट और फ्लेवर देने का काम मेथी करेगी। ये मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब मेथी ली है। आप चाहे तो अपने हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसे मसालों के साथ अच्छे से भून लेना है। जैसे जैसे मेथी को हम लोग भूनेंगे और पकाएंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, मतलब मेथी श्रिंक हो जाती है। अभी इसे कवर करके 2 से 3 मिनट हमें पका लेना है। नॉर्मली हर बार हम लोग दाल तड़का दाल फ्राई बनाते हैं तो इसमें नॉर्मल कसूरी मेथी का यूज़ करते हैं, बट अभी फ्रेश मेथी का सीज़न है तो क्यों ना मेथी की सब्ज़ी का यूज़ किया जाए। मेथी को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पे दाल और टमाटर डाल दिए हैं। ये पार्ट मेरा थोड़ा सा दिखाना छूट गया क्योंकि थोड़ा सा बीच में टेक्निकल इशू आ गया था तो ये शूट नहीं हो पाया।
दाल और मेथी को यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी जैसे ही मैंने दाल को मेथी के साथ मिक्स कर लिया, बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है मेथी की। जब भी मेथी की सब्ज़ी बनती है तो 10 घरों तक उसकी खुशबू जाती ही जाती है, आप चाहे कितना भी छुपा लें। आप इस दाल में नमक डाल के इसी तरह गाढ़ी दाल भी खा सकते हैं, ये बहुत ही बढ़िया लगती है, या फिर इसमें पानी डालकर पतली भी कर सकते हैं। आप इस बिना पानी वाली दाल को रोटी या चपाती के साथ खा सकते हैं, तो आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं। टिफ़िन के लिए ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। अब मैं इस दाल को पानी डालकर थोड़ा सा पतला बना रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से पानी डाल के क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं या कम ज़्यादा पतली या गाढ़ी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधा ग्लास पानी डाल के दाल को थोड़ा सा पतला कर लिया है, आप अपने हिसाब से पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी स्वाद के हिसाब से नमक डाल देना है, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। दाल पकाते समय मैंने नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। नमक डालने के बाद इसे एक बार मिला ले। अभी दाल को हमें हाई फ्लेम पे एक बॉईल आने तक पका लेना है। मैंने यहाँ पे दाल को कवर कर लिया है, 5 मिनट हो गए हैं, हाई फ्लेम पे मैंने दाल को बॉईल कर लिया है। दाल यहाँ पर हमारे अच्छे से पक चुकी है, अभी इससे ज़्यादा इसे हमें नहीं पकाना है। गैस फ्लेम अभी स्टेज पे बंद कर देना है। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दाल हमारी पक के यहाँ पे रेडी हो गई है। अब इस दाल को हमें फाइनल टच देना है, बिल्कुल ढाबे वाला टच और टेस्ट हमें यहाँ पे देना है, तो इसमें हम लगाएंगे एक बिल्कुल नए तरीके का तड़का। पैन में तेल डाल के हमें इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच तेल डाला है, तड़के में थोड़ा ज़्यादा ही तेल जाता है। अभी तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखें। लहसुन को हमें अच्छे से लाल होने तक फ्राई करना है। साथ में मैंने यहाँ पे टमाटर के ऐसे रिंग्स कट करके डाली है, थोड़ी पतले साइज के रिंग कट करके डाले, और साथ में 4 लाल सूखी मिर्च डाली है। अभी ऊपर से हमें यहाँ पे डाल देना है अच्छी क्वांटिटी में हींग। हींग की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है इस तड़के में और टेस्ट भी आता है। अभी इस तड़के की खूबसूरती बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे डालते ही आप देख सकते हैं कितना बढ़िया प्यारा कलर आ गया तड़के में हमारे, और दिखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेम्टिंग और स्पाइसी लग रहा है। इससे ज़्यादा पकाना नहीं है, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अभी गैस फ्लेम बंद कर देना है और बिना देरी किए हुए इस तड़के को हमें अपनी दाल के ऊपर डाल देना है। बिल्कुल लग रहा है ना एकदम टेम्पटिंग और स्पाइसी तड़का, बिल्कुल ढाबे स्टाइल जैसा। तड़का दाल के ऊपर डालने के बाद ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम टेम्पटिंग लग रही है दाल यहाँ पे हमारी। दाल जितने दिखने में खूबसूरत लग रही है उतनी खाने में भी टेस्टी है। अभी यहाँ पे ऊपर से बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे, जो इस दाल का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ा देने वाला है। तो यहाँ पे हमारा मज़ेदार और टेस्टी मेथी दाल तड़का तैयार है। आप इस दाल तड़के को जीरा राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है जीरा राइस के साथ ये। साथ में पापड़ और अचार ले तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी इस न्यू स्टाइल मेथी दाल तड़का की रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें और सबको खिलाएं। आपके घर के सारे लोग आपकी वाहवाही करते थकेंगे नहीं और आपको हर बार बनाने के लिए बोलेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ में बाजू वाला बेल बटन प्रेस करें, इससे आने वाली नई रेसिपीज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिलेंगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, और रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।